भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली से मिलने की आरजू रखने वालों के लिए 6 जून का दिन खुशियां लेकर आया था, क्योंकि दिल्ली के मैडम तुषाद म्यूजियम में फैंस के लिए कोहली का वैक्स का पुतला लगाया गया था। लेकिन जैसे ही कोहली के चाहने वालों के इसकी भनक पड़ी तो दिल्ली के मैडम तुषाद में सैकड़ों की संख्या में फैंस का हुजूम इकट्ठा हो गया। वो कहते हैं ना कि दीवानगी जब सर पर चढ़कर बोलती है तो एक वैक्स का पुतला भी जिंदे इंसान की शक्ल में दिखाई देता है। शायद उस दिन भी दिल्ली वालों के लिए मोम का पुतला जिंदा कोहली से कम नहीं था। क्या बच्चा और क्या बड़ा, सभी कोहली के पुतले को देखने के लिए मैडम तुषाद में मौजूद थे। कोहली के पुतले को लगे अभी कुछ ही घंटे हुए थे कि कोहली की दीवानी भीड़ कोहली का कान ले उड़ी। वैसे मैडम तुषाद के प्रबंधन ने शाम तक कोहली के टूटे कान के टुकड़े को दुरुस्त कर दिया था, लेकिन कोहली के टूटे कान ने साफ कर दिया है कि हिंदुस्तान में क्रिकेट के नुमाइंदों को किसी भगवान से कम नहीं माना जाता। यही वो वजह थी जिसकी वजह से 6 जून के दिन मैडम तुषाद में पांव रखने की भी जगह नहीं थी।